सकीना, तुमने गुल को नाश्ता करवा दिया था? जी नाश्ता मैंने करवा दिया। अरे दादी जान, गुल आई हुई है, आप मुझे पहले बता देती, मैं उसके पास जाके नाश्ता कर लेती। अम्मा, गुल आई हुई है? हाँ बेटा, रात में आई थी, अपने कमरे में है। गुल रात यहाँ रुकी है, लेकिन वो तो यहाँ आती नहीं। भाई उसका मैका है, वो आ तो सकती है, अगर पहले नहीं आई तो क्या हुआ? अम्मा क्यों नहीं आ सकती, बिल्कुल आ सकती है। वो बस उसकी कुछ तबीयत खराब है। अम्मा सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ बेटा सब खैरियत है, तुम जाओ दफ्तर जाने की तैयारी करो। ठीक। दादी जान मैं जाती हूँ उसके पास। तुम कहाँ गई थी? गुल भाभी का मोबाइल देने गई थी, वो छोड़ के चली गई थी। छोड़ के चली गई थी? क्यों, गुल घर पे नहीं है क्या? नहीं, वो अपने घर गई हुई है। इतनी सुबह सुबह? सुबह नहीं, वो रात से गई हुई है। लेकिन यूं अचानक? सब खैरियत तो है ना? अम्मा की तबीयत तो ठीक है? पता नहीं, बता के नहीं है, मुझे तो खुद अभी पता चला है कि वो घर पे नहीं है। तो शैला पता करना था ना, मैं जाके मालूम करता हूँ, हो सकता है उनकी तबीयत खराब। नहीं, मैं जब गई सबकी तबीयत ठीक है, सब वहां बैठे हुए बातें कर रहे थे। तो फिर रात को अचानक क्यों चली गई? आप नाश्ता करें आराम से और ऑफिस जाएं, मैं उधर जाऊंगी, पता करूंगी क्या बात है। नाश्ता करें मम्मी। एक सेब दे। हाँ लो, लेकिन बेटा बैठो, नाश्ता तो करो ना। नहीं अम्मी, ऑफिस में एक जरूरी प्रेजेंटेशन है, मुझे वहां जाना। शैला मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, तुम जरा जाके मालूम करो, गुल से पूछो क्या बात है। जी जी मैं जाऊंगी, आप परेशान मत। बेचारा, 3 दिन में ही ये हालत हो गई। लॉकअप के फर्श पे सोया होगा ना, दाल रोटी खाई होगी, बल्कि खानी पड़ी होगी मजबूरन। 3 दिन तक भूखा तो नहीं रह सकता ना। ये तो सिर्फ ट्रेलर है जिब्रान साहब, आपने जिस तरह मुझे स्पॉइल किया है, मेरी मोहब्बत, मेरे खलूस का मजाक उड़ाया है ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हें उस स्टेज पे लाके खड़ा कर दूंगी कि तुम हाथ जोड़ोगे मेरे सामने और मैं तुम्हें ठोकर मारकर चली जाऊंगी। मनीषा, थैंक यू फॉर व्हाट, ये सब कुछ करने के लिए। हालांकि मैं तुम्हें चीट किया, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे तुम्हारे थैंक्स की जरूरत नहीं है। और बाय द वे, मैंने जो कुछ भी किया अंकल के कहने पे किया, वरना तुम्हारे साथ जो भी हो आई डोंट रियली केयर।